अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से होंगे उम्मीद है। खुश होंगे ढेर सारा अपने अपने घरों में। और ये मेरे बेटे ने, हुजैफा ने व्लॉगिंग स्टार्ट की है अपनी। ये इसकी मायनीज है और ये आई है पाकिस्तान से। उसकी आनी ने भेजी उसके लिए स्पेशल, क्योंकि उसको यहाँ से कहीं से मिल नहीं रही थी और बड़े ही उसको वो थी उसकी जस्तजू। तो उसने अपनी आनी को बताया तो उसकी आनी ने भेजा है, और साथ उसकी आनी ने हमारे लिए भी भेजा है जी साग। बहुत मज़े का साग था अभी, लेकिन तड़का हमने खुद फिर उसमें ऐड किया है। क्योंकि वहाँ से तो नुमान तड़कों के साथ ही ना आता, वहाँ से आया है जी ऐसे ही उन्होंने फ्रीज करके। और जी कहा खाएँ, हम इंजॉय करें दूर बैठे हुए, और जी आप भी हमारे साथ खाएँ। तड़का लगाने से वैसे होश फ्रेश जाता है, ऐसे लगता है कि अभी बनाया है। हम पर देसी लोग तो वैसे भी इस चीज़ को इंजॉय कर कर कैसे खाते हैं। अरे ये साथ मिसी रोटी नहीं है ना, ये तो हमारी मल्टीग्रेन वाली है ना। मल्टीग्रेन है ये, है मिसी रोटी। तो वैसे मज़ा तो इसके साथ में मिसी रोटी का आता है, बट अब यहाँ पे तो मल्टीग्रेन ही अवेलेबल है, हमने उसी को वो मिसी रोटी समझ के ही खा लिया। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों की थी यहाँ पे छुट्टियाँ, और बच्चे तो हमारे हर वक्त फन होना चाहिए, फन होना चाहिए कुछ ना कुछ। सब बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो यहाँ पे पार्क में भी देख सकते हैं बहुत सारा रश है, बहुत सारे लोग बच्चे खेल रहे हैं। हम भी उस दिन सरप्राइज होकर जाके कि इतना ज़्यादा रश क्यों है, फिर याद आया कि बच्चों की सबकी स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो सभी बच्चे इधर पार्क में एंजॉय कर रहे हैं। और ये साथ अर्शिया भी आ, साथ चल रही है भाइयों के, जहाँ जहाँ भाई जाते हैं वहाँ वहाँ अर्शिया होती है। ये मेरी भांजी जो पाकिस्तान से, जिसका मैंने जिक्र किया था। और नुमान ये बच्चा वही है ना जो लवारसों की तरह अल्लाह रहम करे वहाँ फिर रहा था। ये नहीं है, ये दूसरा अभी दूसरी तरफ से नज़र आएगा। वो बच्चा है, उसकी माँ ने ऐसे ही छोड़ा हुआ था दरमियान में। हम वहाँ जाके मेरी सारी तवज्जो वहीं पे थी। नुमान मुझे बार बार वहाँ कह रहे ईमान छोड़ दो, मैंने कहा नहीं माँ ने छोड़ कैसे दिया, ना सॉक्स ये ना बैठा हुआ प्रॉपर, है, हाँ ये बैठा हुआ था यहाँ पर। मैं अपने बच्चों को एंजॉय करवाने की बजाय सिर्फ उसी की माँ को ढूंढ रही थी, और उसकी माँ बड़ी बाद में ये मुस्कुराती हुई। उसको तो फिक्र ही नहीं थी। ईमान को फिक्र थी सारी कि उस बच्चे का ये किधर जा रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। वैसे उसने पहने भी कुछ नहीं हुआ था, थोड़ी ठंड भी थी, बच्चों के लिए तो ठंड थी। वैसे तो कुछ लोग टी शर्ट में नज़र आ रहे हैं और कुछ ये कुछ वैसे लोग नहीं, आप नजर आ रहे हैं एक्चुअली, ये नुमान नजर आ रहे हैं। हमारी ऐसी ठंड है ना, ये देखिए मदिया क्या अर्शिया को लेकर पहुंच गई है वहाँ। अर्शिया जिद करी थी एक्चुअली कि भाइयों के साथ जाना है, वो कहती रहती है ना। एक्चुअली हमारे घर में ठंड ऐसी है, दो बड़े लोगों को नहीं लगती, एक ये नुमान को और एक मेरे बड़े बेटे हुजैफा को। उसका स्वेटर मैं एज अ वो मार्क के तौर पे ना कि ठंड है ले जाती हूँ, वो नहीं पहनता, वो टी शर्ट में खुश होता है। यहाँ पे असल में इतनी ज़्यादा होती नहीं है सर्दी, लेकिन ये है कि कभी भी मौसम चेंज हो तो उस टाइम में तबीयत का पता नहीं चलता, इसलिए एहतियात करनी बेहतर होती है। बट ये है कि अगर आप जैकेट वगैरह पहने या स्वेटर पहने तो थोड़ी ये देर बाद गर्मी लग जाती है। इब्राहिम के स्टाइल ये। और ये यहाँ पे नुमान सीसा था, अब वैसे ये चलता नहीं था, अजीब सा था। तो मैंने फिर सारे बच्चों को कहा, मैंने कहा आप लोग बैठे, मैं फिर आपको झूले देता हूँ। तो अभी एक 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 तरफ से मैंने किया और एक तरफ से सारे बच्चे सीसा हम बना रहे हैं इसको। और ये तो अभी शुक्र है इब्राहिम नहीं है साइड पे, खैर वो भी होता तो बैलेंस हो जाता। और अर्शिया तो बिल्कुल चिपक के आगे बैठी हुई है। इनको सबसे ज्यादा मजा तो इन्हीं छोटे बच्चों को आ रहा था, ये तो अर्शिया और हमारे छोटे वाले दोनों अब्दुल्ला इब्राहिम, ये दोनों ही ज्यादा खुश थे इसके ऊपर। एक्चुअली तो एंजॉय करने बच्चे ही जाते हैं, जैसा भी खैर आपकी बात की। और यहाँ ये अर्शिया हर जगह पे मम्मा को तंग कर रही होती है, तंग तो खैर नहीं कहा जा सकता, बट पीछे पीछे होती है कि यहाँ पे मम्मा मुझे लेके जाए। अभी वो खुद नहीं चढ़ सकती, वो छोटी है तो। और भाई जाते हैं उसके माशाल्लाह हर जगह पे। लड़कों का वैसे भी आदत होती है, लड़के एक जगह पर टिक के बैठ नहीं सकते और हर जगह से जंपिंग, और उनको हर चीज़ में एडवेंचर चाहिए होता है, हर चीज़ को वो एडवेंचर बना लेते हैं, तो इसीलिए वो अर्शिया फिर पीछे पीछे उनकी होती है बेचारी। अच्छा मज़े की बात है, वही बात है ना, लड़कों में लड़कियां बहनें जब रहती हैं तो टॉम बॉय इसलिए बनती हैं। वो भी अब डॉल के साथ नहीं ना खेलती, गन्स के साथ वो खेलती है। पार्क ख़त्म हो गया अभी, गोलगप्पों का बताएं हम, सब वापस ओए आके होए होए गोलगप्पे जो हमने होए, खाए थे। वो जो हमने गोल गप्पे खाए, काश वही से ज़्यादा मेरी बात है, काश अभी हम यहाँ आए हुए होते, काश अभी हम गोल गप्पे दोबारा खा रहे होते। तो ये बड़े मज़े का, हमने ना नेट से सर्च किया था, हमें गोल गप्पे कहीं करीब से नहीं मिलते। तो मैं गोल गप्पों की हूँ बड़ी शौकीन, ये देखिए मैंने पूरी ना फिलिंग करवा के वो दिखा रही हूँ। तो मैंने ना वो किया कि नुमान से कहा विज़िट करें आप नेट पे ज़रा देखें, और फिर नुमान ने देखा तो जी हमें 56 भोका मिला, किसी ने कहा कि बड़ा अच्छा रिव्यूज़ दिए हुए थे। फिर हमने ट्राई किया ये वाले गोल गप्पे, फिर मंगवाए सॉरी, फिर वो आए, बहुत टेस्टी थे, बहुत 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 मज़े के थे।
टेस्टी थे, बहुत अच्छे थे, बट नॉर्मल थे, मतलब इतने ज़्यादा भी है ये नहीं कह सकते कि जितने हमने अभी तक खाया उससे सबसे ज़्यादा थे। मुझे तो क्वांटिटी भी इनकी कम ही लगी कि हाँ, क्वांटिटी क्वांटिटी कम थी, क्वांटिटी कम। पैकिंग पैकिंग वगैरह उनकी अच्छी थी, पैकिंग उन्होंने अच्छी सारे पैसे उस पर भी तो लगाए ना, ज़्यादा पैसे उन्होंने जो है वो पैकिंग के लिए। अच्छा, मैं ज़्यादा अच्छे इसलिए कह रही क्योंकि मैं गोलगप्पों की बड़ी शौकीन हूँ, कहीं से मिले से नहीं। जो ज़्यादा जो शौकीन नहीं होता वो ज़्यादा अच्छा बेहतर क्रिटिक होता है, वो ज़्यादा बता सकता है कि सही है कि नहीं। जो शौकीन होता है तो उसको तो हर चीज़ तरह की चीज़ पसंद आ जाती है ना। वो यही बात है। और दूसरा विमान ये भी है ना, यहाँ पे कोई जल्दी करीब से मिलते भी तो नहीं है ना, फिर मुझे इतनी दूर से मिले, फिर मैंने तो उस पर वो कर दिया कि ये बात तो पैकिंग देखें बड़ी ज़बरदस्त अच्छी, मुझे इनकी वो जो खट्टे की जो पैकिंग है ना, और बड़े अच्छे तरीके से प्रॉपर था कि कोई वो इकट्ठे वो ना हो, अगर वो नहीं भी बनी हुई प्रॉपर वो उसके अंदर फिलिंग नहीं हुई तो। और ये यहाँ पे मैं सबको बिठा कर, अच्छा बच्चे आए हुए, अच्छा बच्चे समझ रहे थे कुछ इसमें बहुत ही टेस्टी कुछ निकलने वाला है, बच्चे तो खाली गोलगप्पे ही वो खाते हैं, उसके अंदर में तो फिलिंग वगैरह तो करते नहीं है कुछ। अमूमन ऐसा होता नहीं है ना, हम लोग अगर कुछ लेकर आए तो बच्चों का भी लेकर आते हैं, तो ये लोग खा के बैठे हुए थे, बट फिर भी इनको लगा कुछ पैकिंग में है, कुछ कड़कड़ है, कुछ आया हुआ है, तो बड़ा कुछ मज़े का होगा। तो जब निकाला तो खैर बच्चे ने खा लिया था। और जी ये सबसे यम्मी चीज़ तो ये है, ये मेरे मेके से आई हुई है, वो पहले वाला आपके मेके से आया हो, तब ये मेरे मेके का आया। और इसकी पैकिंग बड़ी ज़बरदस्त थी। मेरे बड़े भाई हैं वो हर चीज़ की पैकिंग ऐसे करते हैं कि बस वो जैसे सही प्रोफेशनल पैकिंग होती है, हालांकि वो ये काम नहीं है उनका, बट वो हर चीज़ को ऐसे परफेक्शन के साथ करते हैं, उनकी आदत है। कितनी अच्छी ये पैकिंग करके पाकिस्तान से आई थी। और ऐसे साग, और अच्छा ये भी बताया ना, आपके मेके से आया तो फिर आपने गजरेला खाया। मैंने इस चक्कर में 3 किलो वेट बढ़ा लिया अपना, गजरेला पूरा फिनिश मैंने किया। मैं मीठा नहीं खाती और बच्चों ने भी नहीं खाया, तो नुमान ने तो कहा डाइटिंग मैं नहीं करूंगा जी जब तक ये गजरेला है। तो खैर गजरेला 2 दिन से आगे चला भी नहीं। 2-3 दिन में खत्म हो गया। 2-3 दिन में खत्म हो गया और माशाल्लाह बहुत टेस्टी। चले बंद, अच्छे मार्क, क्लोज करें, क्लोज करें व्लॉग, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट उसमें मुलाकात होगी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।